ये जो सीता जी के हरण का प्रसंग है इसमें तीनों सूत्र उलट गए, रेखा वाला सूत्र भी उलट गया। क्या? श्री सीता जी को भगवान राम के चरण के रेखा की चिंता और लक्ष्मण जी को भगवान राम और श्री सीता जी के चरण रेखा की चिंता। सोचिए कितने महान लक्ष्मण है जो इतने वर्षों तक साथ चले पर न तो कभी प्रभु की रेखाओं को मिटने दिया और न तो कभी श्री सीता जी की रेखाओं को मिटने दिया। ऐसे थे लक्ष्मण जी। और जिस समय प्रभु मृग के पीछे भागे और मृग का बाण, मृग के ऊपर प्रभु का बाण लगा और मृग ने पुकारा तो मृग ने लक्ष्मण जी का नाम लेकर के लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। पर कई लोगों को भ्रम यह है कि जब मारीच लक्ष्मण जी का नाम लेने लगा तो भगवान राम के स्वर की उसने नकल किया, ये ठीक नहीं। रामायण में ये लिखा हुआ है कि उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया पर सीता जी को सुनाई पड़ा कि श्री राम का ये स्वर है। ये दूसरा सूत्र है। क्या? कि जब हमारे मन में कोई प्रलोभन होता है तो हमें मारीच के स्वर में भी ईश्वर के स्वर का धोखा होता है। ये बड़े महत्व की बात। हमें कई वर्षों के पहले की बात, मुझे भोपाल में ही कोई सज्जन शायद खड़े हुए थे चुनाव में, तो लोग चुनाव में अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। उन्होंने घोषणा किया, भगवान कृष्ण ने मुझे स्वप्न में दर्शन देके आदेश दिया कि तुम खड़े हो जाओ, मैं तो केवल भगवान की आज्ञा के पालन के लिए खड़ा हूं और कृष्ण को अपने वासना के स्वर को ही, अपनी इच्छा के स्वर को ही उन्होंने ईश्वर का स्वर समझ लिया। इसलिए भगवान आदेश क्या दे रहे हैं इसको देखने के पहले जरा कान साफ कर लीजिए, ऐसा न हो कि कान ही ऐसा बना गया हो कि कुछ कहा जा रहा हो और कुछ सुनाई दे। सोचिए जब मारीच ने लक्ष्मण जी का नाम लिया तो लक्ष्मण जी के कान में क्या अपना नाम नहीं सुनाई दे रहा था क्या? बल्कि कहना तो चाहिए भाई जिसका नाम लिया जाएगा उसको सबसे पहले सुनाई देगा, तो उन्हें तो सबसे पहले सुनना चाहिए था। पर उसका अभिप्राय क्या? वैराग्य युक्त कर्ण से लक्ष्मण जी समझ गए ये हमारे प्रभु का स्वर नहीं है, ये कोई नकली स्वर है, और श्री सीता जी को लगा कि यह प्रभु का स्वर है और उन्हें लक्ष्मण पर क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने कहा क्या तुम बहरे हो गए हो, तो क्या तुम सुन नहीं रहे हो? क्रोध आ गया उनको। क्यों? उन्होंने श्री राम से कहा, लक्ष्मण से कहा, जाहु वेद संकट तव भ्राता। कितने बड़े संकट में, कितने करुण स्वर में प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए हो। जब लक्ष्मण जी ने वाक्य सुना तो लक्ष्मण भी हंसे, खूब हंसने लगे और क्रोध आ गया। पहले सुनकर के भी अनसुना कर दिया और मैं कह रही हूं तो हंसे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी से बाद में किसी ने पूछा कि आप इतना हंसे क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, जीवन में जो घटना उस दिन देखी उसके पहले तो देखी नहीं थी तो हंसी आ गई। क्या? बोले प्रभु के पीछे चलने को तो देखा था पर प्रभु को किसी के पीछे भागते पहली बार देखने को मिला, यही एक अनुभव था। और दूसरी ओर अभी तक मैंने यही अनुभव किया था कि जीव संकट में पड़े तो भगवान को पुकारे, पर जब मां ने यह कहा कि ईश्वर संकट में पड़ा हुआ है और वो जीव को पुकार रहा है तो और हंसी आ गई कि आज क्या सब उलट गया, नियम क्या, सारे सिद्धांत तो बदल गए क्या? लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, भृगुट विलास सृष्टि लय होई सपने हु संकट पर ही किसोई। मां जिन प्रभु के भृगुट विलास से सृष्टि का विनाश हो जाता है क्या कभी उन पर संकट पड़ सकता है? और क्रोध आ गया और कठोरतम शब्दों में उन्होंने लक्ष्मण जी को न जाने क्या क्या कह दिया। लक्ष्मण जी अंत में जाने लगे पर जाते समय लक्ष्मण जी ने एक कार्य किया। क्या? अगर प्रभु चले भी गए थे और लक्ष्मण जी को जाने के लिए न कहती तो भी हरण न होता, पर लक्ष्मण जी भी यदि चले गए थे
तो जाते हुए लक्ष्मण जी श्री सीता जी से जो कह करके गए थे अगर उसे मान लेती तो भी हरण न होता। क्या लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दिया और प्रार्थना किया कि आप इस रेखा को न लागिएगा। सोचिए, अरे जिन लक्ष्मण ने जीवन भर प्रभु की रेखा नहीं लांघी, सीता जी की रेखा नहीं लांघी, उन लक्ष्मण की रेखा का कोई साधारण महत्व था क्या? तो जिसने केवल प्रभु के संकल्प की ही पूर्ति की उसने एक रेखा खींच दी और रेखा खींच करके कह दिया आप इसे न लांघिएगा। लेकिन सीता जी ने उस रेखा को लांघ दिया और इसका सूत्रात्मक तात्पर्य है रेखा मत लांघिए। और रेखा केवल बड़ों की रेखा ही नहीं, छोटे की रेखा भी होती है। बड़े की मर्यादा ही मर्यादा नहीं है, छोटे की मर्यादा भी मर्यादा है। और इसलिए कर्तव्य यह है कि बड़ा छोटा बड़े की मर्यादा का उल्लंघन न करे, और इसी प्रकार से बड़े का कर्तव्य है कि वो छोटे को सम्मान देते हुए उसकी मर्यादा, उसकी भावना, उसकी प्रार्थना को ध्यान में रखे। पर श्री सीता जी रेखा लांघ गई, इसीलिए मानो अगर वो रेखा न लांघती, और रेखा लांघने की प्रेरणा रावण देता ही है, रावण जब आवेगा, मोह जब आवेगा, तो उसने यही कहा कि क्या तुम्हारा छोटा देवर तुमसे कुछ कहे और तुम उसको मान करके इस तरह से रेखा के बंधन में बंधी रहोगी। बड़े की बात माननी चाहिए, छोटे की बात मानने में कोई अपेक्षा नहीं है। और श्री सीता जी रावण के वाक्यों में भ्रमित हो गई और उन्होंने रेखा को लांघ दिया। और तीसरा सूत्र ये है क्या, ईश्वर को आगे करके चलिए। और श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण इन्होंने अवतार लेकर के जो रेखाएं बनाई हैं उन रेखाओं को कभी मत लांघिए। और तीसरा सूत्र ये है, और वो सूत्र बड़े महत्व का है, धरति चरण मग चलति सभीता। डरते हुए सीता जी चल रही, श्री राम डरते हुए, श्री लक्ष्मण डरते हुए चल रहे। प्रभु ने पूछ दिया तुम लोग क्यों डरते हो? सीता जी तो महाशक्ति है और लक्ष्मण जी महाकाल। महाशक्ति और महाकाल ने यही कहा कि हमारे डरने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर से महाशक्ति और महाकाल को भी डर लगता है तो जीव को तो डर कर ही व्यवहार करना चाहिए। और इसका अभिप्राय यह है ईश्वर से डरिए जरूर, जीवन पथ में चलते हुए ईश्वर से ये अन्यत्र निर्भय होना भले ही गुण हो, पर समाज में जब ईश्वर का भय छूट जाता है, ईश्वर का डर मिट जाता है, तब अन्य डरों को तो व्यक्ति जो है उसको मिटाने के तो अनेक व्यक्ति के पास उपाय हैं, लेकिन जो डर सामने नहीं है उससे भी डरने की आवश्यकता है। और ये डर बड़े महत्व का, इसलिए आपने देखा निडर बाली और डरपोक सुग्रीव दोनों भाई थे, पर जो निडर था उस पर भगवान राम का बाण चला और जो डरपोक था वो भगवान का मित्र बन गया। तो जब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि जरा बाली से लड़ो, गर्जना करो, बाली से लड़े और बाली ने मुक्का लगाया तो बेचारे भागे। लक्ष्मण जी ने देखा तो प्रभु से कह दिया कि प्रभु आप कितना भी मित्र बनावे भगोड़ापन इसका नहीं छूटा। जब देखो तब वहां भी भागा, वहां भी भागा, वहां भी भागा, आज आपने मित्र बना दिया तो भी वही भागना। प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, देखो ना क्या, पहली बार मायावी के डर से भागा तो घर में घुसा, पहली बार जब भागा था सुग्रीव तो मायावी के डर से, तब घर में घुसा, और बाली के डर से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर छिपा, डरने में भी अंतर आ गया। घर में छिपा तो बच नहीं पाया, पहले मायावी का डर था तो भाई का ही डर पैदा हो गया, और वहां भी भागा तो भाग करके ऋषिमुख पर्वत, ये कौन है? बड़े भाई हम संसार में डरते हैं तो घर में छिपते हैं, पर घर में भी अगर भय सतावे तो फिर सत्संग में जाना चाहिए, ऋषिमुख पर्वत पर जाना चाहिए जहां पर मौन होकर के व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है।
भगवान ने कहा आज तीसरी दशा है। क्या बोले, आज भी भागा पर भाग करके मेरे पास ही तो आया ना। इसलिए लक्ष्मण, जब कोई व्यक्ति भाग करके मेरी शरण में आता है तो उसका भागना बड़ा सार्थक है। जो निडर, जो निर्भयता व्यक्ति को मुझसे दूर बना देती है, उस निर्भयता की अपेक्षा वो भय कल्याणकारी है, जिससे प्रेरित होकर के व्यक्ति मेरे निकट आता है, मेरे पास आता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने इसीलिए जब 4 महीने तक लक्ष्मण सुग्रीव मिलने नहीं आए तो प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, यही सहायक में मारा बाली तेसर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज शुभ काम कल पर टालना ठीक नहीं है, आप आज्ञा दीजिए, मैं आज ही जाकर के मारे आता हूं। कहने लगे, नहीं भाई, अब मित्र बनाने के बाद क्या मैं मारूंगा? तो महाराज मारेंगे नहीं तो फिर? बोले, वो पहले डर के मारे मेरे पास आया था, बाली को मैंने मार दिया तो डर भी मिट गया, मुझे भूल गया, थोड़ा डर फिर पैदा कर दो। कुछ लोग बिना डर के बढ़िया काम नहीं करते। हाँ, इसलिए समाज में जो लोग निर्भयता का बहुत उपदेश देते हैं वो बहुत कल्याण नहीं करते। वो बात तो समझते हैं कि बड़ी हम ऊंची कर रहे हैं, अभय हो जाओ, निडर हो जाओ, पर इतने लोग अभय और निर्भय हो गए हैं कि मनमाना आचरण कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि निर्भय हो जाना कोई बड़ी ऊंची स्थिति। भगवान ने कहा कुछ लोग, ये भगवान की अनोखी बात। क्या एक बात बताऊं आपसे, एक अभी कुछ दिन पहले मैं होशंगाबाद गया था, कब वहां पर एक नवयुवक ने मेरे पास बड़ा तेजस्वी पत्र लिख करके भेजा और उसने कहा कि देवता तो इतने अवसरवादी थे कि इनकी अवसरवादिता का प्रसंग तो रामायण में कई बार आता है, इतने डरपोक थे। उनको आपत्ति थी उस नवयुवक को कि जब इंद्र ने युद्ध क्षेत्र में श्री राम के लिए रथ को भेजा, अपना रथ भेजा, तो राम को चाहिए था कि उलाप मार करके रथ को लौटा देते और कह देते कि तुम जैसे अवसरवादियों के रथ की मुझे आवश्यकता नहीं। पर भगवान राम की दृष्टि तो भिन्न है। क्या सचमुच इंद्र डरपोक था और इंद्र अवसरवादी भी था, पर डरपोकपना तो यही था कि रथ तो भेज देना चाहिए था पहले, लेकिन वो यही गणित करता रहा कि पता नहीं कौन जीतेगा, तो इसलिए भेजना ठीक रहेगा भी कि ठीक नहीं रहेगा, इस डर के मारे नहीं भेजा। और जब उसने 2-3 दिन युद्ध श्री राम और रावण का देख लिया कि रावण नित्य हार रहा है तो लगा कि अब भेजना ठीक रहेगा। तो जिस समय रथ भेजा गया, अब श्री राम की दृष्टि में और दूसरों की दृष्टि में अंतर बहुत बड़ा, और ये हम लोगों के लिए बड़े कल्याण की बात है। क्या हम लोग तो सचमुच पक्के अवसरवादी ही हैं, भगवान के पास भी न जाने कब जाएं, और भगवान अगर पुराना खाता हम लोगों का खोल के दिखलवाने लगे कि ये क्या क्या कर चुका है तो कभी शरण में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। किसी ने भगवान से कहा, इंद्र ने इतने दिन बाद रथ भेजा, पर उन्हें कहा भेजा तो अभी तक क्या किया इसका महत्व तो नहीं है, अब वो क्या कर रहा है इसका महत्व तो। और बोले, महाराज अवसरवादी है। बोले, अवसर को जानना भी तो कला है। अभी तक वो अवसर के अवसर न चूक बंदे लागू भलो दाओ रे। भक्त लोग कहते हैं अवसरवादी बनिए, उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में समाज में अवसरवादी लोग होते हैं, पर इसका अभिप्राय यह है कि उचित अवसर देख करके। भगवान कहते हैं, अरे डरपोक इंद्र है तो क्या हुआ, अंत में रथ भेजता तो है, उसके डर की भी सार्थकता है। का उसको रावण का डर था, नहीं भेज रहा था, अब मेरा डर लगा और भेज दिया, डर की भी सार्थकता। भगवान अवसर देते हैं, जीव कितने भी विलंब से जाए, चाहे जितने भी कुछ कर चुका हो, पर भगवान कहते हैं अगर तुमने अब ठीक ठीक समझ लिया है और डर करके मेरे शरण में आ गए हो। भगवान ने कहा, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति अचुते अभियम सर्वभूते भ्यो दराम में तब व्रतम ममा।
भगवान डर का सदुपयोग करते हैं, लोभ का सदुपयोग करते हैं। विभीषण में लोभ की वृत्ति है, सुग्रीव में डर की वृत्ति है। लोग बहुधा क्या करते हैं कि डर और लोभ की वृत्ति किसी काम की नहीं, पर लोभ की वृत्ति से अगर कोई बहुत बढ़िया काम करे, श्रेष्ठ कल्याणकारी का कार्य करे, तो लोभ की वृत्ति का सदुपयोग है। डर के मारे अगर कोई बुराई से बचे तो डर का बहुत बड़ा सदुपयोग है। भगवान लोभ का भी सदुपयोग कराते हैं, लोभ के द्वारा बुरा कार्य नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए रावण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा जब भगवान देते हैं तो लोभ के वृत्ति का ये सदुपयोग। और जब वो सुग्रीव के प्रसंग में डर का सदुपयोग करने के लिए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण डर मिट गया, वो मुझे भूल गया, तो तुम इतने करो कि तुम जा करके उसको जरा डराओ। पर प्रभु कहते कहते स्वयं डर गए, क्या कि लक्ष्मण कहीं ऐसा न डरा दे कि वो भाग करके कहीं और चला जाए। इसलिए प्रभु ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि भैया ध्यान रखना, वो बड़ा डरपोक है और बड़ा भगोड़ा, तो ऐसा न डराना कि कहीं चला जाए। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीओ भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। ईश्वर का डर, मर्यादा की रक्षा और ईश्वर के पीछे चलना, ये तीन महत्व के सूत्र हैं। चित्त दंडकारण्य में ये तीनों मिट गया, रेखा लांग ली गई, प्रभु पीछे कर दिए गए और श्री सीता जी जो साक्षात शक्ति हैं, रावण जब सामने आता है और रावण ने सीता जी के सामने अपना नाम लिया भई सभय, तब जब नाम सुनावा, रावण का नाम लेते ही सीता जी के मन में डर उत्पन्न हो गया। मानो सूत्र यह है, भगवान से जब डर लगेगा तो किसी से डर नहीं लगेगा, और अगर डर छूट जाए और डर छूटे तो डर छूटने का परिणाम होगा कि रावण भी डराने में समर्थ होगा। मानो इन्हीं तीनों सूत्रों का दूसरा पक्ष, जीवन का कटु पक्ष सामने रखा गया। और अंततो गत्वा फिर इन तीनों का जो परिवर्तन है, समय अभाव से उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, समय अत्यधिक हो गया है, पर सूत्रात्मक अभिप्राय यह है कि जीवन पथ में चलते हुए हम निरंतर प्रभु के पीछे चलें, ईश्वर से डरते हुए चलें और उनके रेखाओं की रक्षा करते हुए चलें। पुनः मैं नारायण भैया जय जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हुआ इस प्रसंग को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर राम।